कट्टा हो गया मेरे से। हाँ मुझे याद ही नहीं रहा कि चावल की रेसिपी बतानी। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को बता दूंगी। कल हम ब्लॉग डाल देंगे। कल मैं ब्लॉग डालूंगी। बता दो। अच्छा ऐसे करना है, पायल पहले घी लेना है रिफाइंड, उसमें जीरा डालना है, फिर लंबे लंबे प्याज काटने हैं, और लंबे प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है, ज्यादा नहीं। उसके बाद छोटे छोटे टमाटर डाल दो। जब टमाटर सारे प्याज टमाटर अच्छे से हो जाए, घी निकल जाए, तो उसमें आलू और मटर डाल दो। और आलू मटर डाल दो, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया गरम मसाला सब डाल दो, हरा धनिया हो जो मर्जी आपका दिल करे डाल दो। और उसके बाद एक गिलास चावल या डेढ़ गिलास चावल उसके साथ उसको भून लो अच्छे से। अरे मेरे को बोल के गया था कि नानी मेरी मम्मी को रेसिपी देना, मैं स्कूल खाऊंगी, क्योंकि इसने दो तीन बार खाए हैं, ऐसे ही चावल खाऊंगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसमें ना इसमें अच्छे से भूनना पड़ता है, और एक गिलास में डेढ़ गिलास पानी डलता है कुकर में। अच्छा। एक गिलास में डेढ़ गिलास, और एक सीटी दिलवाओ और थोड़ी सी ऊपर डला के बंद कर दो। उसके बाद जब स्टीम निकल जाएगी चावल देखो बड़े खिले खिले बनेंगे। मम्मी जब चली गई तो पूछी मेरे पास आती नहीं थी, आज चिपक चिपक, जब से मम्मी मतलब मम्मी होती ना तो मेरे से चिपकी रहेगी, मैं चिपकी रहेगी ऐसे, मतलब चिपकती नहीं है लेकिन पास 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 घूमती है, लेकिन हमेशा जब भी मैं इस कमरे में आऊँ पूछी और कोको बोले कोको बोले कोको हमेशा चाची के कमरे में जब भी आती हूँ यही होते हैं। तो मम्मा चीकू मांग रहा था, आपने उसको बता दिया इमरजेंसी में? दीदी के रात को फोन आया कि चावल सिखा दे, तो आपने सिखाया उसको या नहीं? अब क्या पाल दीदी को? हाँ बता दिए थे चावल। तो आपने बनाना दिखाया व्लॉग में? क्या नहीं बनाना नहीं, कब दिखाओगे क्या ताकि सब खाए ना ऐसे आपके जैसे? आप दिखाओ कल को चावल दिखाओ, अब सब व्लॉग देखेंगे, सब सोचेंगे मम्मी ऐसे कौन से चावल बनाती है जो सबको पसंद है। नहीं चीकू का फोन आया था, वो कह रहा था जब हम आर्थ ये कह रहा है कि मम्मी को आपने चावल क्यों नहीं सिखाए, मेरे से हो गई आपकी कट्टा। हाँ वो मेरे से नाराज हो गया, कहता जब आपको पता था मैंने स्कूल जाना है, स्कूल जाने में सबसे पहले मुझे यही वाले चावल लेके जाने थे, तो आपने मेरी मम्मी को क्यों नहीं समझाए, कोई भी बनाता है ऐसे चावल नहीं बनाता जैसे आप बनाते। सो गाइस वहाँ पे हमने कब जब मतलब जब से मैं गई थी ना तब तक, मतलब जब मैं गई तो चावल बने वहाँ पे, जब मम्मी थी तो वहाँ पे मम्मी चल कुछ भी खा लेती, लेकिन ना मैं गिने चुनी सब्जियाँ खाती हूँ, कभी कभी जो कुछ बनता था ना मैं नहीं खाती थी, मैं क्या करती थी मैं मम्मी से चावल बनवा लेती थी। तो जैसे ही वो चावल बनते थे ना, है मम्मी बताओ सारी बात, जैसे ही चावल बनते थे गाइस मैं अपना प्लेट में कहते थे आंटी पहले आप प्लेट में ले लो चावल। हाँ। मैं चावल जितने खाने होते थे मैं ना प्लेट में ले लेती थी। सुन उसके बाद मैं क्या करती थी, चीना के लिए भी थोड़े से रख देती थी, बाकी कुकर में रखती थी। मैं कहती थी जैसे ही गाइस मैं कमरे से बाहर निकलती थी, अगर 5 मिनट बाद आप दोबारा किचन में जाओ कुकर पूरा खाली होता, खाली और किसी का पेट नहीं भरा होता। और पता क्या गाइस क्या होता था, अब दीपक निक्की लक्ष दीदी और वो सपना उसकी लड़की उन तन्नु, ये तो हो गए 5, नैना और एक दो और आ जाते थे, मतलब 2 किलो चावल 2 मिनट में खत्म, ढाई तीन ग्लास। मम्मी खाती थी, मैं अपने लिए ना इतने से लेती थी कि मैं ना इंटरवल्स में खाती हूँ, मतलब ये ना एक लो वेट लूज करने की टेक्निक है कि तुम थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एकदम पूरा पेट मत भरो कभी भी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाती, तो मैंने इतने से खाए, अब मेरे को 1-1.5 घंटे बाद फिर भूख लगे, मैं जब मम्मी से मांगू चावल चावल का है अब, तो मम्मी को मैंने पहले ही बोल दिया मम्मी देखो मैं अभी इतना खा रही हूँ, सब पूरी प्लेट भर के खा रहे, तो मैं अभी जो इतना खा रही हूँ इतने चावल मेरे पड़े होने चाहिए, फिर वो कभी कभी पड़े होते, लेकिन ठंडे का ना वो मजा नहीं जो गर्म का मजा है ना। मैंने ना फ्रिज में उस दिन चावल रख दिए थोड़े से, तो ना चावल ठंडे थे तो मैंने उठा के ना बाहर रख दिए, मेरे को 5 मिनट बाद इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाती हूँ। जब मैं अंदर गई डोंगा खाली डोंगा खाली, मेरे को ये क्या हो गया, मैंने तो खाली बाहर गर्म करने को रखे थे, ये तो बिल्कुल ही गर्म हो गए चावल। मैंने बाहर जाके पूछे तो वो कह रहा है दीपक मैं खा गया, मैंने सोचा कि आंटी ने वैसे ही रख दी है खाने नहीं होंगे। यही मेरे साथ पनीर के टाइम हुआ था, मैंने पनीर रख पनीर भी दीपक ने खाया, पनीर भी दीपक खा गया। मैंने ना थोड़ी देर बाद जैसे अभी मन नहीं करता, मैंने मम्मा से बनवा तो ली थी, उससे मैंने मन नहीं करा, मैंने कहा चल बाद में खा लूंगी, और मैंने इतना सा पनीर ना बचा दिया अपने लिए, थोड़ी देर बाद वो गायब। मैं मम्मी को बोलू, मैंने कहा भाई मेरा दीपक है तो वो तो मैं खा गया, मुझे कहा यार बंदा कहाँ रखे कहाँ।
चलो कोई नहीं, पता क्या होता है, सबको भूख लगती है, जब कोई सब्जी पानी, जब कोई सब्जी बनती है, कोई किसी को नहीं पसंद आती, हाँ, तो फिर हर कोई दूसरी जगह ढूंढता है ना, तो कुछ भी मिल जाए, हाँ, अब उस दिन इन्होंने पता चाहिए दीपक की जगह मैं भी होती अगर कोई और, मतलब अगर मुझे लगती उस दिन किसने क्या बनाया था, मैंने तो दो रोटी के साथ दो अचार की फाड़ी खा गई थी, मैं कुछ तो खाना ही है। गाइस मैंने पूरी लाइफ में ना, पूरी लाइफ में मतलब टिक्की कभी तवे बना के खुद नहीं खाई, उस वहां पर मैंने जब बच्चों की टिक्की बनती थी ना, आलू बॉयल होते थे, तो मैं, मेरे को और कुछ समझ में नहीं आता था, मैं क्या करती थी, आलू को लिया, उसमें मसाले डाले, थोड़ा उसका वो टिक्की जैसा लतवा बनाया और तवे पे रखा और खा लिए। तीन टिक्की मैं लाती थी, उसमें से मैं एक डेढ़ ही खाती थी, एक डेढ़ हमेशा मम्मी खाती थी, है ना। सो गाइस मुझे अभी अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है चांदनी होटवानी जून बेरी की तरफ से, ये आया है मुझे अशोक नगर, तो मेरे को लगा शायद 5-7 बाद में देखा वाराणसी यूपी। मतलब जब मैं देहरादून गई थी ना चेरी, तो देहरादून में भी सुभाष नगर था, और मतलब बहुत सारी जगह ऐसे है जो सुभाष नगर है, तो मैं यहाँ आके वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मम्मी डिनर बना रही है और चाची भी अंदर है, तो मैंने कहा चेरी तू मेरी वीडियो बना, तो मैं दिखाती हूँ। वाराणसी से आया? हाँ ये वाराणसी यूपी से आया है मुझे, मैं मुझे भी अनबॉक्स करने आ गई, पासवर्ड करना पड़ेगा लगता है। मैं एक बार दिखाती हूँ। सो गाइस बहुत ज्यादा ना वायरल चल रहा है एक टॉप, मतलब मैं जैसे गर्ल्स को होगा कि जैसे कई बार ना इनबिल्ट पैडेड टॉप्स आ रहे हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स हैं। मैं एक तो सबसे पहले फेमस चीज जो मेरे पास ऑलरेडी है, ये ब्लैक में है, तो मैंने इस बार पहली बार व्हाइट में हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ, चार चार चीजें होगी, ये तो सबने ही देखा होगा फॉर श्योर। सो गाइस मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे लिख रही हूँ, हाँ जी ठीक है लिख रही हूँ, तो इंस्टाग्राम की आईडी में मैं नीचे लिख रही हूँ, आप अभी जाके, मतलब अगर आप उनको मेरा नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अभी जाओ और इन टॉप्स को या ड्रेसेस को ऑर्डर करो। एक ये है, मेरे को ये आया है, इसका जो स्टफ है मतलब ऐसा है कि कॉटन नहीं है लेकिन अच्छा स्टफ है कि पसीना ना आए। एक आया मेरे को ये, साथ में ही इसके पैंट्स हैं, तो ये वाला नहीं है मेरे पास, ब्लैक अलग वाला है, आजकल डेनिम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसकी पैंट्स ऐसे है नीचे से ना खुली है, तो ये इसके साथ मतलब ये ही थोड़ा सा यहाँ पे डेनिम है और थोड़ा सा डेनिम यहाँ पर है, तो ये मुझे अच्छा लगा, नाइस है। अब मैं दिखाती हूँ, एक मैंने मंगवाया है वन पीस है, ओ नाइस, ये ना मुझे लगता है वो है, इसकी स्लीव नहीं है तो तभी मेरे ख्याल से, साथ में गाइस इसके ये भी आया प्लास्टिक स्ट्रैप्स, ग्रीन कलर या मस्त लग रहा है, इतनी है कलर मस्त क्यूट कलर यार गाइस, ये भी पैडेड है, ओ यार अर्बैनिक से ना मैंने ऐसी ही ड्रेस मंगवाई थी पिंक कलर की, लेकिन वो पैडेड नहीं थी, तो ये पैडेड है और साथ में स्ट्रैप्स भी है कि अगर तुम्हारी स्ट्रैप्स दिखती हो तो तुम इसको प्लास्टिक, लेकिन ये कलर बहुत ही प्यारा है, वाओ, और मुझे लगता है ड्रेस मतलब बिल्कुल स्ट्रेचेबल है, किसी को भी आ रही, कलर अच्छा लग रहा ना चेरी, हाँ बढ़िया लग रहा है, वाओ यार मुझे कलर बहुत प्यारा लगा इस ड्रेस का, बोलते क्यों है चेरी, इनको भी मन करता ना बात करने का, हाँ अभी भी बोल रहे हैं बात करने की कोशिश। एक मैंने मंगवाया है ये, पता है गाइस मैंने ना ये वो टॉप मंगवाया था कि जो मेरी ब्लैक कलर की पैंट्स है ना, मैं उसके अंदर वो पैंट्स मेरी गोलू के घर में खो गई, मैंने जब पाल के दिया मैंने उनको बोला अगर मिल जाए तो बता देना, मैंने न्यू पैंट्स मंगवाई थी अर्बैनिक की, मतलब 1200 की कुछ पड़ी थी, वो ऐसी थी यहाँ से जाके नीचे जाके हॉट लेयर्स थी, इतनी प्यारी पैंट थी। एक मैंने मंगवाया है ये, थोड़ा टॉप नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ये भी इन बिल्ट पैडेड टॉप है, तो ये ऐसे है मतलब ऐसे है ये टॉप, ये छोटा है अरे बड़ा, और पीछे से इसकी बैक है तो भी डोरी ऐसी दी हुई है, नहीं डोरी नहीं है सॉरी स्लीव लगाई, सॉरी 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 मुझे लगा था डोरी है ये, तो मैं इसको डाल के ऐसे है, सुंदर है टॉप, मैं इनको डाल के जरूर दिखाऊंगी। बस एक लास्ट चीज रहती है जो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो ये बहुत बहुत हॉट सेलिंग है, मतलब सबसे ज्यादा ये चल रहा है, और ये एक पता है छोटू से हैंगर के साथ भी आया गाइस, पहली बार मुझे कोई कपड़ा ऐसे हैंगर के साथ देखियो यार चेरी, इसको तो मैं ऐसे ही टांग दूं छोटा सा, क्योंकि ना इसका स्टफ ये बहुत, ये गाइस ये है, इसको इनर्स बोलते हैं, अगर मैं इसको टैंक टॉप टाइप, तो मैं इसको ऐसे भी नॉर्मल पहन के जा सकते हैं, इसके नीचे कोई भी हमें इनर स्पेशली पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनबिल्ट है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है,
बहुत, ये तो मुझे सबसे बेस्ट लगा है, तो मैं इसको जब भी वेयर करूंगी, अभी तो वैसे मेरे को वीडियो बनानी है तो मेरे को वेयर करना ही है, तो मैं आपको वेयर करके भी जरूर दिखाऊंगी। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के बहुत सारा प्यार दे, और मैं वहां पे व्लॉग बना रही, आपने मेरे को वहां पे बहुत बहुत सारा प्यार दिया, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी आप मुझे प्यार दे, आप मुझे बताएं कि मैं कैसा व्लॉग बनाऊं, आप बताओ कि कोई चैलेंज वीडियो है, या मैं बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करूं वो दिखाऊं, तो क्योंकि घर का तो मम्मा बनाए रही है, मैं कुछ एक्सप्लोर करके चीज दिखाना चाहती हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि वो कपड़ों की हॉल वीडियोस बना सकती हूँ मीशो से कुछ मंगवा के, या अर्बेनिक से, या जैसे भी आप अगर चाहो, क्योंकि गर्ल्स की चीजें अलग होती है और बॉयज की अलग होती, तो आप मुझे जरूर बताना। और गाइस जैसे आदिवासी ऑयल, ये देखो मेरे छोटे छोटे कितने सारे बाल आने लग गए, ये देखो ये सारे सारे छोटे बाल मेरे आदिवासी हेयर ऑयल से है, हमारे पास तो अभी 3-4 दिन में आ जाएगा स्टॉक, लेकिन जीरकपुर से आप अभी भी ले सकते हैं, एबीबी मैक्स अगर आप उस पर डालोगे गूगल पे तो आ जाएगा। और गाइस जीजू हो चुके हैं नॉमिनेट, तो आप जल्दी से जाओ उनको सेव करो, आपके वोट्स बहुत बहुत मायने रखते हैं, कभी कभी दीदी की किस्मत खराब थी कि बाहर वाले ने उनको निकाल दिया, क्या पता जीजू आपके वोट से बच जाए, तो मुझे पता है कि जीजू बच जाएंगे, वो एंड तक जाएंगे, तो आप बहुत सारा वोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।